नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 650 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान देखने वाले हैं, जिसमें फ्रंट हमारा 25 फीट है और पीछे की ओर हमारा क्या है 26 फीट है, और ये पूरब दिशा का घर होने वाला है। तो एज पर द वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोगों ने घर बनाया हुआ और क्लाइंट के हिसाब से हम लोगों ने 650 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने इस प्लान को डिजाइन किया हुआ है। तो चलेंगे हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वीडियो को शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। सामने हमारा ईस्ट है, पीछे पूरब है हमारा, और पीछे की तरफ हमारा पश्चिम है, वेस्ट है, और इस डायरेक्शन में हमारा उत्तर है, नॉर्थ है, और यहाँ पे हमारा क्या है साउथ है। तो ये पूरा प्लान है, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा रोड से हम लोग एंट्री लेंगे। इसमें हम लोगों ने 6 फीट का गेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे ड्रॉइंग हॉल में हम लोग आएंगे, जो हमारा 11 फीट 9 इंच by 10 फीट 4 इंच का ड्रॉइंग हॉल मिलता है, ठीक है। यहाँ के बाद आप लोग इस एरिया में पहुंचेगा, तो पीछे के साइड से आप लोग देख सकते हैं 2 बेडरूम है हमारा। छोटा सा प्लान है ये, 12 फीट by 10 फीट का, 12 फीट कुछ इस डायरेक्शन में और 10 फीट कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर पे है। ये हमारा क्या होता है, सबसे भारी प्लेस इसको रखना होता है, ये मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। यहाँ पे आप लोग वास्तु के अकॉर्डिंग स्टेयर रख सकते हैं। इस प्लेस को आपको भारी करना होता है, नैरत्य कौन इसको कहते हैं, इस प्लेस को आपको भारी करना होता है हमेशा, और सबसे ऊंचा भी प्लेस हमको यही रखना है। स्लोप जब भी बनाए तो कुछ इस डायरेक्शन में आप लोग को बनाना है। ये ध्यान रखना है कि इस प्लेस को आपको एज पर द वास्तु आपको ऊंचा रखना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर को, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेकंड बेडरूम हमारा साउथ एंड नॉर्थ कॉर्नर पे है, जो हमारा 11 फीट 9 इंच by 10 फीट का, 11 फीट 9 इंच इस डायरेक्शन में और 10 फीट कुछ इस डायरेक्शन। तो हम 5 इंच का इसमें देख सकते हैं ब्रिकवर्क किए हुए, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लोड का ब्रिकवर्क से कोई मत लेना देना नहीं है। बीम, कॉलम, फाउंडेशन, लोड ट्रांसफर करने का यही यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने डोर प्रोवाइड किया हुआ। टोटल हम लोग 3.5 फीट जगह छोड़े हुए डोर के लिए, तो 3 फीट क्लियर स्पेस आपको मिल जाएगा डोर के लिए। यहाँ भी 3.5 फीट हम लोग डोर के लिए छोड़े हुए हैं, तो क्लियर स्पेस आपको दोनों में 3 फीट का मिल जाएगा। 42 इंच हम लोग जगह छोड़े हुए हैं। अगर 3 फीट का आपको डोर बनाना है तो आपको कम से कम 42 इंच छोड़ देना, क्योंकि उसका फ्रेम आता है। तो फ्रेम अगर जोड़िएगा तो 4 इंच से 5 इंच आपको फ्रेम जगह लेता है। क्लियर 3 फीट का अगर डोर चाहिए तो आपको 3 फीट 6 इंच का जगह छोड़ देना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा मिडिल ऑफ द नॉर्थ क्या आता है, टॉयलेट आ जाता है, जो 7 फीट 10 इंच इस डायरेक्शन में और कुछ 4 फीट इस डायरेक्शन में। तो टॉयलेट का जो आपको साइज रखना है, 4 फीट चौड़ाई में ठीक अच्छा साइज होता है। अगर थोड़ा बड़ा चाहिए तो इसको 4.5 भी आप कर सकते हैं, और लंबाई में मिनिमम 8 फीट रखना है। 7 फीट 10 इंच यहाँ पे हमें जगह मिल रहा है, तो मैंने 7 फीट 10 इंच लिया है, लेकिन आपको 8 फीट रखना है। 7 फीट छोटा टॉयलेट होता है, लेट प्लस बात, क्योंकि इसमें दोनों है इसीलिए छोटा हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने वेंटिलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जो हमारा 2x2 साइज का वेंटिलेशन। पीछे हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है विंडो, जो 4x4 साइज का है, ठीक है, 4 चौड़ाई में 4 ऊंचाई में, ठीक है, 4x4 साइज का यहाँ पे हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टेयर अप करते हैं। अप करने के बाद स्टेयर भी हमारा साउथ ऑफ द मिडिल है, नॉर्थ उत्तर दिशा से हम लोग किधर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर। तो सीढ़ी जो होना चाहिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, और पूरब से पश्चिम की ओर जाना चाहिए, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो ये हमारा 3 फीट का बनता है। एक लैंडिंग हम लोगों ने 3 फीट का जगह लिया हुआ है, यहाँ से हम लोग घूमते हुए स्टेयर छत पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेयर। उसके बाद इस एरिया के बाद देख सकते हैं, ये एरिया भी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये भी आपको खाली एरिया मिल रहा है। ये पूरा एरिया जो मिल रहा है, ये भी आपको खाली एरिया मिल रहा है। डेकोरेशन के लिए इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद हमारा सीढ़ी जो होगा 7 फीट के ऊपर चले जाएगा, तो इसके नीचे कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अग्निकोण में हमारा ईस्ट एंड साउथ कॉर्नर, जो हमारा अग्निकोना होता है, वहां पे हम लोगों ने किचन दे रखा है, जो 12 फीट इस डायरेक्शन में, कुछ 6 फीट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने किचन दिया हुआ, और यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरली गेट दिया हुआ। इस गेट को आपको 3 फीट से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 3 फीट के अलावा रखना है तो 42 इंच का आप लोग छोड़ दें। यहाँ पे हम लोगों ने 4x4 साइज का सिमिलर साइज का हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड कर रखा है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने 650 स्क्वायर फीट का प्लान डिजाइन किया हुआ, और ये पूरब फेस का था, और एज पर द वास्तु ये पूरा डिजाइन किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आशा करूंगा आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का आपको अपने घर का प्लान बनवाना है तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9113170550। आप अपने घर के नक्शा के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्रंट एलिवेशन डिजाइन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।